दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की बेरुखी घातक साबित होने वाली है और इसका असर मौसम के उतार चढ़ाव में दिखने लगा है देश के कई राज्य बाढ़ से गिरे हैं तो कई जगह सूखे की धमक सुनाई देने लगी है इन सब के बीच देश का खरीफ सीजन का कृषि चक्र प्रभावित हुआ है खरीफ फसलों की बुआई कम होना चिंता की बात है भारत सरकार भी चिंतित है कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़े इसका प्रमाण है बीते सप्ताह मंत्रालय ने इस बाबत आंकड़ा जारी किया जिसके मुताबिक पंद्रह राज्यों में कम बारिश ने धान का रकबा घटा दिया है वहीं बारह राज्य ऐसे भी हैं जहां बुआई ठीक ठाक हुई है चालू खरीफ सीजन में अब तक धान की फसल का रकबा पांच दशमलव छह दो फीसद घट गया है सरल भाषा में कहें तो इस साल देश में धान की खेती कम हुई है पिछले साल के मुकाबले लगभग इक्कीस लाख हेक्टेयर में कम बारिश के कारण धान नहीं बोया जा सका कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ सीजन में धान का रकबा तीन लाख निन्यानवे हजार हेक्टेयर रहा है और एक साल पहले इसी अवधि में धान की बुआई चार लाख नवासी हजार हेक्टेयर में हुई थी आपको बता दें कि धान मुख्य खरीफ फसल है और इसकी बुआई जून से दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत के साथ होती है देश के कई राज्यों में धान का रकबा कम हुआ है आधा दर्जन राज्यों में ज्यादा तो कई अन्य में मामूली कमी आई है कृषि मंत्रालय के मुताबिक बिहार झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कम बारिश की वजह से ऐसा हुआ है बिहार में दो लाख अठारह हजार हेक्टेयर तो झारखंड में नौ लाख अस्सी हजार हेक्टेयर का रकबा कम हुआ है एमपी में यह छह लाख बत्तीस हजार हेक्टेयर है तो छत्तीसगढ़ में तीन लाख इक्यानवे हजार हेक्टेयर में कमी देखने को मिली है आबादी के लिहाज में सबसे बड़े राज्य यूपी में दो लाख इकसठ हजार हेक्टेयर रकबा घट चुका है वहीं पश्चिम बंगाल में चार लाख पैंतालीस हजार हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है कृषि मंत्रालय ने कई अन्य राज्यों में भी धान का रकबा घटने का जिक्र किया है उड़ीसा आंध्र प्रदेश असम त्रिपुरा पंजाब मिजोरम सिक्किम मेघालय और जम्मू कश्मीर में धान की बुआई में कमी आई है पिछले साल इन राज्यों में जहां एक लाख छियालीस हजार हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी वहीं इस बार यह घटकर एक लाख पचपन हजार हेक्टेयर पर सिमट गया है धान का रकबा देश में कहां होता है और धान की बुआई मॉनसून सीजन मॉनसून की कमी का असर मॉनसून विभाग की रिपोर्ट इन सब पर निर्भर करती है और नौ राज्यों में अभी भी धान की रोपाई कम हो पाई है देश के पंद्रह राज्यों में इस खरीफ सीजन में जहां धान का रकबा कम हुआ है तो वहीं बारह राज्य ऐसे भी हैं जहां बुआई अच्छी हुई है तेलंगाना गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में धान की अच्छी फसल होने की संभावना जताई गई है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी